आवाज द वॉइस में आप सबका खैर मकदम। ज्वाइनिंग आवर कैंपेन से नो टू ड्रग्स में हमारे साथ जुड़ चुके हैं जावेद बेग साहब, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे, सर ये जो कश्मीर में जो ये ड्रग्स जो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, ये जो एक वबा बन चुका है हमारे कश्मीर में, जिसने हम कहे कि एक ह्यूमैनिटी जो कश्मीर जिसके लिए काफ़ी मानी जाती थी, जो इंसानियत थी यहाँ, उसके आप देखिए उसके बरक्स जो आज है, बेटा जो है वो अपनी माँ को कत्ल कर रहा है और बाप जो है वो अपनी बेटी को कत्ल कर रहा है। सबसे पहले आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? शुक्रिया अनीसा मुझे अपने प्रोग्राम में मधु करने के लिए। बिल्कुल ड्रग्स या फिर कोई भी नशा एक लानत है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये समाज में सबसे बड़ी बुराई है, क्योंकि इसी से समाज में और बुराइयों को जो है फ़रोग मिलता है या फिर पैदा होती है। ड्रग्स चूँकि आज एक बाबरकत महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना, हमारे मज़हब इस्लाम के एतबार से ड्रग्स की सबसे ज़्यादा ममानियत है, किसी भी नशावर चीज़ की या किसी भी नशा वर्षाई की काफ़ी ममानियत है। इसके लिए कुरान में काफ़ी सारी आयतें हैं और पैगंबर साहब ने भी इस पर काफ़ी जो है तंबिया किया है उम्मत को। बाकी मज़ाहिब में भी आप किसी भी मज़हब के जो होली स्क्रिप्चर्स है उसमें नशावर चीज़ों को या नशे की जो आदतें हैं या नशे करने पे काफ़ी जो है प्रोहिबिशंस है। इसी तरह सोशल वैल्यू सिस्टम जो होता है, ये रिलीजियस वैल्यू सिस्टम हो गया बिलीफ सिस्टम्स पे। अब अगर हम सोशल वैल्यू सिस्टम देखेंगे, जिस पे आपने अभी अभी कहा कश्मीर को, जिसे एक ज़माने में एक मुकद्दस जगह समझा जाता था, ऋषिज़्म सूफीज़्म का एक गहवारा था कश्मीर, आज के डेट में एक बाप बेटी को कत्ल कर रहा है, एक बेटा माँ को कत्ल कर रहा है, जिस कोक ने उसे जन्मा है उसी पाक और मुकद्दस कोक को वो उजाड़ रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ यही लानत है, ड्रग्स या फिर नशावर चीज़ों की लानत। अब इसमें जो पूरा ह्यूमन वैल्यू सिस्टम है वो प्रभावित होता है, ह्यूमन वैल्यू सिस्टम को तार तार कर देता है ये नशा। इसमें बहुत सारे जो है इंस्टीट्यूशंस का एक खासा रोल था। अ कंट्री, अ नेशन, अ स्टेट इज़ अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और इंस्टीट्यूशंस जितनी प्रोएक्टिव हो, जितनी स्ट्रेंथन्ड हो, जितनी स्ट्रॉन्ग हो, जितनी रोबस्ट हो, एक समाज उभर कर आता है, इवॉल्व होता है। बदकिस्मती से 30 साल के नामसायद हालातों ने हमारे यहाँ हर एक इंस्टीट्यूशन के सेंक्टिटी को, डिग्निटी को तार तार कर दिया। एक जो अपेरेंट नुकसान हमने उठाया, सबसे बड़ा नुकसान ह्यूमन लाइव्स का, जो सबसे बड़ा नुकसान हमने उठाया, साथ ही साथ इन 30 साल के नामसायद हालातों ने जिस तरीके से हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को वीकन किया, पामाल किया, उस पर ना तो हम कोई पैमाना रखकर उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ह्यूमन लाइव्स को तब भी हम गिन सकते हैं कि फलानी जगह पर बदकिस्मती से दिल दोज हादसे में 10 लोगों की जान चली गई, या फलानी मिलिटेंट अटैक में 10 लोग मारे गए, लेकिन सोसाइटी में जो नुकसान हुआ 30 साल में, वो हम किसी भी पैमाने से ना ही हम नाप सकते हैं और ना ही तोल सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने अकल से, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से उसको हम बस फील कर सकते हैं। और वो नुकसान हमने इतना उठाया, जिस नुकसान के चलते आज हमारे सामने जो ये तो मुझे लगता है दिस इज़ टिप ऑफ एन आइसबर्ग, जिसमें एक माँ को अपना बेटा कत्ल कर रहा है बेदर्दी से, जिसमें एक बाप अपनी बेटी को, बाप साया होता है बेटी का, सिर्फ शादी तक नहीं बल्कि ज़िंदगी के आखिरी मरहले तक। इसी तरह उस माँ जिसने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसको हर एक होली स्क्रिप्चर में खुदा का दर्जा दिया गया है, उसे एक बेटा, एक जवान बेटा जो उस माँ का सहारा होता है, उसे कैसे बेदर्दी से मार सकता है? इसमें मुझे लगता है हमारे समाज के हर फर्द को, बिलखसूस हमारे समाज के जो इंटेलेक्चुअल तबके में जो लोग बैठे हैं, जो हमारे समाज को नए सिरे से तरतीब दे सकते हैं, उन्हें इस पे गौर फिक्र करना। बात की चूँकि आप ज़िला बड़गाम से हैं, तो रिसेंटली कुछ काफ़ी ख़तरनाक केसेस हमें देखने को मिले बड़गाम एरिया से, जहाँ पे जो लड़की है उसके टुकड़े किए गए और फिर उसके बाद जो है एक दो कत्ल हुए। तो चूँकि आपको लगता है कहीं ना कहीं ड्रग्स जो है वो इन सब जराइम की जड़ है, और बड़गाम एरिया में आपको लगता है रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह, काउंसलिंग्स वगैरह की काफ़ी ज़रूरत है? बिल्कुल अनीसा, आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे लाया। जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स है वो एक हिसाब से मदरस और स्कूल का काम करते हैं। ऐसे मदारिस, ऐसे रिहैबिलिटेशन सेंटर यहाँ हर ज़िले में होने चाहिए, और साथ ही साथ ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स में काउंसलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है स्कूलों में, कॉलेजेस में भी आप एक डेस्क खोलिए, और ये आप यहीं तक महदूद ना रखें। हमारे जो मस्जिदों के पाक पल्पिट जो है,
मेंबर जो है वहाँ से, मुझे लगता है हमारे मजहबी रहनुमाओं को ड्रग जैसी लानत और जितनी भी लानतें समाज में इस टाइम अपना जो है सिर निकाल रही है। बहुत सारी जगहों पे हमने देखा हमारी बच्चियों को, हमारी बहुओं को डोमेस्टिक वायलेंस से मारा गया, वो भी एक अच्छी अलामत नहीं है एक अच्छे कौम की, एक अच्छे समाज की। अभी आपने जिक्र किया एक बच्ची हमारी, एक बेटी हमारी बड़गाम से ही, जिसको एक दरिंदे ने दरिंदाना सिफात से, जिसका बेदर्दी से कत्ल किया, उनके टुकड़े किए, और बिल्कुल दिलदोज हादसा था वो हम सब के लिए। उसमें भी मुझे लगता है ड्रग जैसे लानत की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगी, क्योंकि बिहेवियर में जो मॉडिफिकेशन आजकल हमारे छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है ये ऐसे ही नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, इसमें कोई ना कोई रोल है ड्रग्स का। और ड्रग्स में मैं यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट लाना चाहूँगा अनिसा, ये एक मॉड्यूल है ड्रग माफिया जो है ये नार्को टेरर मॉड्यूल के अंडर काम कर रहा है। इसके हमें और भी पाइपलाइंस जिनको हमें अंडरस्टैंड करना है वो खैर नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे समझने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ इसकी पाइपलाइन कहीं और है, उसमें इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व है। जहाँ पे पैसा होता है बहुत सारे लोग उस वक्त इंसानियत भूल जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारा जो रोबस्ट सिस्टम है इस टाइम, जिसमें सिक्योरिटी एजेंसीज का भी बहुत बड़ा रोल है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनके साथ साथ सिविल सोसाइटी के मेम्बरान को एक साथ होकर इस लानत से लड़ना है, तब जाकर हमारा समाज आज बच सकता है। अगर हम इस समाज को, जिस समाज पे हमें बड़ा फ़ख्र है, आपको मुझे हम सबको, कश्मीर पे, कश्मीर के रवायात पे बड़ा नाज होता है हमें, और जो लेगेसी हम और आप कैरी करते हैं जिसे हम कश्मीरियत कहते हैं, उसको अगर हमें फिर से नए सिरे से रीइन्वेंट करना है, रीडिस्कवर करना है, प्री रिक्यूजिट है कि इन जैसी जो समाज में लानते हैं इनसे हमें कलेक्टिवली लड़ना है, इंडिविजुअली जिम्मेदारी समझकर और फिर समाज की जिम्मेदारी समझकर। इसमें हम सबका बड़ा रोल है, तब जाकर हम हमारे बच्चों को बचा सकते हैं, समाज में हर एक बुराई को रोक सकते हैं, और साथ ही साथ इस समाज को, हमारे कश्मीर को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो सोशल एज एन सोशल एक्टिविस्ट आपको क्या लगता है कि जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, या सोशल एक्टिविस्ट की अगर हम बात करें, उन्हें कैसे वो इनिशिएटिव लेना चाहिए, उन्हें कैसे इकदाम उठाने चाहिए ताकि कहीं ना कहीं हम कोशिश करें कि इस वबा पर काबू पाए? देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, हम सबका एक रोल है इसमें, हम सबका रोल है इसमें, और हमें बखूबी इसे रिलीजियसली इस रोल को अदा करना है। अगर हम इंडिविजुअली फेल होते हैं तो हमारा समाज फेल होता है, अगर हम इंडिविजुअली फेल होते हैं तो हमारे समाज के इदारे, मुख्तलिफ इदारे फेल होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन समाज के बाद दूसरा सबसे बड़ा इदारा होता है एक कौम का, एक स्टेट का। एडमिनिस्ट्रेशन बखूबी काम कर रही है, मुझे क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन के शाना बशाना रहकर ड्रग और बाकी जो बुराइयां हमारे समाज में हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ते हैं, कोशिशें करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम हमारे कश्मीर में सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे कश्मीर में जिस नेक नियति से काम कर रही है, अंडर द गाइडेंस ऑफ यू नो पीपल एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, मुझे लगता है सिविल सोसाइटी के मेम्बरान को, हमारे मजहबी रहनुमाओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट करना चाहिए ड्रग जैसी लानत या और भी जो मसले मसाइल है हमारे समाज में उनसे एक साथ लड़ने के लिए, तब जाकर हम कामयाब होंगे, वरना मुझे लगता है हम लड़ते रहेंगे और जो ये लानत है ये बढ़ती रहेगी। थैंक यू सो मच जावेद साहब बेग, हमारी कैंपेन, हमारी मुहिम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे कदम आगे बढ़ाना है, तब जाके हम इस वबा से जो है वो निजात पा सकते हैं। शुक्रिया।